भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे वर्तमान श्रृंखला के तीसरे मैच में 78 रनों की पारी खेलने के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने एडम गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़कर विकेटकीपर द्वा राय एक दिवसीय मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने की सूची में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। चौथे मैच में भी धोनी ने अर्धशतकीय पारी खेली जिसके बाद उनके कुल 9496 रन हो गए हैं। धोनी के आगे अब सिर्फ श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा ही हैं। संगकारा ने एक दिवसीय मैचों में कुल 14,234 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर और सलामी बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट के एक दिवसीय मैचों में 9,410 रन है जिसे पीछे छोड़ धोनी दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इस पर गिलक्रिस्ट ने धोनी को बधाई देते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, मुझसे आगे निकलने पर बधाई छोटे लड़के, यह बस समय की बात होती है। विश्व क्रिकेट में धोनी सबसे अच्छे फिन शर माने जाते हैं। इसके बावजूद वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 114 गेंदों में 54 रनों की पारी खेली और जब 12 गेंदों में 16 रन चाहिए थे तभी धोनी पवेलियन लौट गए, जिसकी वजह से भारतीय टीम 190 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई और मैच हार गई। किसी भी विकेटकीपर का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर भी पहले गिलक्रिस्ट के ही नाम था। गिलक्रिस्ट ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 172 रन बनाए थे। इस रिकॉर्ड को भी धोनी ने 2005 में श्रीलंका के खिलाफ 183 रन बनाकर तोड़ दिया था।